हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉप 12 मोस्ट क्रिंज टाइप की मूवी कवर किया है। एंड आपको एक हार्डकोर एक्शन ब्रूटलिटी देखना है, उसके साथ दिल को सुकून देने वाली स्टोरी एक्सपीरियंस करना है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। ट्वेल्थ नंबर का मूवी है मॉन्स्टर हंट, जो 2020 में एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है कैप्टन आर्टेमिस एंड उसके सैनिकों की, जो रेगिस्तान में अपने टीम के एक टुकड़ी को खोजने के लिए जाते हैं। बट वहाँ पे एक ऐसा तूफान आता है जो कैप्टन आर्टेमिस एंड उसके सैनिकों को एक दुनिया से दूसरे दुनिया में लेके चले जाती है, जहाँ पे मॉन्स्टर और इंसान साथ में रहते हैं। तो क्या कैप्टन आर्टेमिस एंड उसके टीम उस दुनिया से वापस आते हैं कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का स्टोरी से कुछ खास एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बट आप एक हार्डकोर एक्शन मूवी देखना है, एंड टोनी चाहन जो वो भी जैसे एक्टर के फैन हो, तो इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड ये मूवी आपको सोनी लिपो 5.2 IMDb रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगा। Everyone all right? This is 87 westbound. Can you hear me? 11th नंबर का मूवी है बियॉन्ड स्काईलाइन, जो 2017 में एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है मार्क कॉली की, जो लॉस एंजलिस में एक पुलिस अधिकारी है। बट सालों से मार्क अपने बेटे ट्रेंट से अलग रहता है, एंड जब मार्क को पता चलता है कि ट्रेंट एक विदेशी आक्रमण में फंस गया है एंड उसको जेल में डाल दिया गया है, तो मार्क अपने बेटे ट्रेंट को छुड़ाने के लिए जाता है। बट यह ट्विस्ट तब आता है जब उस शहर पर एक एलियन शिप अटैक कर देता है एंड उस शहर की पूरी आबादी को अपने शिप की ओर खींच रहा है, एंड उस शिप के अंदर ट्रेंट भी चला जाता है। तो क्या मार्क अपने बेटे ट्रेंट को उस से बाहर निकाल पाता है कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी हार्डकोर एक्शन सीक्वेंस एंड आंखों को सुकून देने वाली विजुअल, एंड उसके साथ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए तो क्या ही चाहिए। एंड आपको मस्ट मॉन्स्टर क्रिएचर साइफाई मूवी देखना है, तो ये मूवी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 5.3 IMDb रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। शायद उन पर भी उसी चीज ने हमला किया है जिसने तुम पर किया था। ये मेगलाडॉन है। क्या कहा? मैंने कहा ये मेगलाडॉन है। 10th नंबर की मूवी मेग, जो 2018 में एक्शन हॉरर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी साइंटिस्ट की एक छोटी टुकड़ी को, जो समुद्र में लगभग 75 फीट नीचे रिसर्च करने के लिए जाते हैं, एंड उसको पाला पड़ता है मेगालोनोड शार्क से। एंड उस शार्क से निपटने के लिए एक गोताखोर को बुलाया जाता है, एंड उसका क्या कुछ होता है, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी फाइटिंग सीक्वेंस, जो शार्क एंड जेसन स्टेथम के बीच में अंडर वाटर फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है ना भाई साहब, परम आनंद दिलाती है। एंड उसके साथ जो इसका स्टोरी प्रेजेंटेशन है भाई साहब, एक एक कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओगे, स्पेशली छोटी बच्ची ना उससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। एंड उसके साथ जो विजुअल एक्सपीरियंस कराती है ना भाई साहब, माइंड ब्लोइंग है। एंड आप मस्ट स्टोरी सब बाप लेवल की एक्शन देखना है, जिसे देखने के बाद आप रिग्रेट फील ना हो, तो इस मूवी को एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर 5.6 IMDb रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नाइन्थ नंबर का मूवी बैटल शिप, जो 2012 में एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी अंतरराष्ट्रीय जहाजी बेड़ा के सामने एलियन का शिप समुद्र में उतरता है एंड पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है, तो क्या अंतरराष्ट्रीय जहाजी बेड़ा उस एलियन शिप को रोक पाती है कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है, जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का स्टोरी से कुछ खास एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट बढ़िया जो एक्शन देख परम आनंद दिलाती है ना भाई साहब, क्या ही बताऊं। एंड उसके साथ जो विजुअल देखने को मिलता है ना, बस लय के देखते ही रहे। एंड आपका स्टोरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, एंड आपको केवल एक्शन ही एक्शन देखना, तो ये मूवी मेरे सबसे हाईली रिकमेंड है। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। व्हाई आर यू हियर? वी केम टू ट्रेड। यू लाई, यू आर थीव्स।
8th नंबर की मूवी है द ग्रेट वॉल, जो 16 में एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है विलियम गैरन की, जो चाइना में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो चाइना वाला विलियम को पकड़ के जेल में डाल देता है। बट यार ट्विस्ट तब आता है जब पूरे चाइना पर डीमन अटैक कर देता है, तो कैसे विलियम गैरन पूरे चाइना को डीमन से बचाता है, उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरी एंड एक्शन सीक्वेंस, जिसे देखने के बाद ऐसा लगेगा मूवी खत्म ही ना हो। एंड उसके साथ जो विजुअल एक्सपीरियंस कराती है ना भाई साहब, माइंड ब्लोइंग है। एंड ये मूवी मैं हर एक ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मूवी एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 5.9 आईएमडी रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning he's 9 feet pushing 1,000. 7th नंबर का मूवी है रैम्पेज, जो 2018 में एक एक्शन एडवेंचर साइफा मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी डेविस ओकाई की, जो एक वायरस की वजह से शिकागो शहर में 3 विशाल जानवर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एंड वो शिकागो शहर को तबाह करना चाहता है। तो डेविस ओकाई एंड जो एक गोरिल्ला होता है, दोनों मिलकर शिकागो को बचा पाता है कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड आप बहुत सारे एक्शन मूवी देख चुके हैं एंड आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना, आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। क्योंकि जिस तरह से इसका एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया गया, जो विजुअल देखने को मिलता है ना, जो कॉमेडी टाइमिंग है ना भाई, सब दिल खुश कर देता है। एंड कुछ अच्छा एंड कुछ यूनिक देखना, तो इस मूवी को मिस मत करना। एंड ये मूवी आपको एप्पल टीवी पर 6.1 आईएमडी रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। Father was a great man. A hero, so they say. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. 6th नंबर का मूवी है ड्रैकुला अनटोल्ड, जो 2014 में एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है राजकुमार व्लाड की, जो अपने राज और अपने परिवार को तुर्की सेना से बचाने के लिए खुद को मॉन्स्टर में बदल देते हैं, यानी वैम्पायर बन जाते हैं। तो क्या राजकुमार व्लाड अपने राज और परिवार को तुर्की सेना से बचा पाते हैं कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड आप कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ढूंढ रहे हो, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि पर्सनली ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। एंड आपको एक सुपर नेचर टाइप की एक्शन बॉर मूवी देखना है, तो ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एंड मूवी प्राइम वीडियो पर 6.2 आईएमडी रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ नंबर की मूवी है गॉडजिला, जो 14 में एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है गॉडजिला की, जो पृथ्वी पर विशालकाय जीव पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा रहा है। तो गॉडजिला उस विशालकाय जीव से लड़ता है, तो क्या गॉडजिला पृथ्वी को उस विशालकाय जीव से बचा पाता है कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड आपको मॉन्स्टर फाइटिंग सीक्वेंस वाली मूवी देखना है, तो इस मूवी को देखो, क्योंकि इसे देखने के बाद आप एक्शन क्या होता है ना ये मूवी बताएगी। एंड ये मूवी आपको क्वालिटी टाइम डिजर्व करती है, जिसे देखने के बाद आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 6.4 आईएमडी रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एक कहावत है कि बच्चे तभी बाप को पूछते हैं जब कोई जरूरत हो। डैड, मुझे आपकी मदद चाहिए। जैकेट पहन लेता। 4th नंबर का मूवी द टुमारो वॉर, जो 2021 में एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है 2051 की, जो फ्यूचर से अचानक कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं एंड सरकार से अपील करते हैं कि फ्यूचर में एलियन पृथ्वी को तबाह कर रही है एंड हम लोग युद्ध हार रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम से हमें मदद चाहिए ताकि आने वाले समय के लिए हम लोग की पीढ़ी सुरक्षित रहे। बट वहाँ पर जाने पर 80% चांस है कि आपकी जान चले जाएगी, तो यार कौन ही जाना चाहेगा। बट सरकार हर एक फैमिली से एक इंसान को जाने के लिए आदेश देता है, तो अपना हीरो यानी क्रिस पैट अपनी बेटी के लिए जाता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अपनी बेटी के लिए एक बेहतर दुनिया देना चाहते हैं। तो क्या अपना हीरो एंड सारे लोग फ्यूचर में जाकर एलियन से जंग जीतते हैं कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड आपको टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ट मस्ट एक्शन मूवी देखना है, तो इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर 6.6 आईएमडी रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये बंदर है क्या? थर्ड नंबर की मूवी कॉन्ग स्कूल इजलैंड, जो 2017 में एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी है कॉन्ग की, जो कुछ सोल्जर एंड साइंटिस्ट एक आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं एंड उस आइलैंड पर बम गिरा देते हैं। एंड उस आइलैंड का राजा होता है कॉन्ग, एंड किसी के घर में जाओगे एंड बम गिरा दोगे तो भारी पड़ेगा यार। एंड उसके बाद जो तबाही देखने को मिलता है ना भाई साहब, इंसेन है। बट यार ट्विस्ट तो तब आता है, उस आइलैंड के अंदर कॉन्ग से भी ज्यादा खतरनाक जीव रहता है, खोपड़ी वाला राक्षस, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड आपको मस्ट स्टोरी के
साथ बवाल एक्शन देखना है तो इस मूवी को मिस मत करना। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर 6.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर का मूवी जुरासिक वर्ल्ड, जो 2015 में एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी जुरासिक पार्क के असफल होने पर 22 साल बाद जुरासिक वर्ल्ड थीम पार्क बनाया जाता है, जहां पे वर्षों तक रिसर्च करने पर डायनासोर का नया नस्ल तैयार किया जाता है। बट ये ट्विस्ट तो तब आता है जब उस पार्क से डायनासोर भाग जाता है। एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी स्टोरी टेलिंग एंड उसके साथ जो ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है ना भाई, सब माइंड ब्लोइंग है। एंड आपको मतलब बेस्ट मूवी देखना, जिसे देखने के बाद आप रिग्रेट फील ना करो, तो ये मूवी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। एंड ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 6.9 IMDb रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर कोई पैसिफिक रिंग, जो 2013 में एक एक्शन एडवेंचर साइफाई मूवी है। एंड इस मूवी का स्टोरी समुद्री राक्षस काइजू एंड इंसान के बीच में, जो काइजू पृथ्वी को तबाह करना चाहता है, तो इंसान काइजू को रोकने के लिए बड़े बड़े रोबोट बनाते हैं। तो क्या इंसान काइजू को पृथ्वी तबाह करने से रोक पाते कि नहीं, एंड उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड लिटरली जो एक्शन देखने को मिलता है ना भाई, सब इनसेन है। एंड आपको केवल एक्शन मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को देख सकते हो। एंड इस मूवी को देखने के बाद आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर 6.9 IMDb रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एंड आप लोग कि वीडियो कैसा लगा, एंड यार वीडियो चला तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।